अगर आपने अभी भी वन प्लस के डिवाइस पर स्विच किया है तो आपको इस वीडियो में मैं इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपके डेली फोन को यूज़ करने के एक्सपीरियंस को और भी बेहतर कर देंगे। और इस फोन के यूआई में ऐसे बहुत सारे फीचर मिलते हैं जो आपको अदर एंड्रॉइड फोन में देखने को नहीं मिलते, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सब्सक्राइब वाला रेड बटन जरूर दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला फीचर जो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ वो फीचर जिससे आपको अपने ओल्ड फोन से न्यू फोन में पर स्विच करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इससे आपके पुराने फोन्स का सारा डेटा आपके नए डिवाइस पर ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसके मेन्यू में जाना है और यहाँ पर आपको डिफॉल्ट वन प्लस स्विच नाम से एक ऐप मिलेगी जिसमें आपको पुराने फोन का डेटा रिसीव करने के लिए या अपने पुराने फोन से डेटा ट्रांसफर करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। आपको अपने ओल्ड फोन में भी ये ऐप इंस्टॉल करनी है और फिर अपने नए फोन से बारकोड स्कैन करके सभी फोटो वीडियोस ऐप्स को ट्रांसफर कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर भी इसका बहुत ही कूल फीचर है। ये फीचर आपको मोस्टली आईफोन में देखने को मिलता है। इस फीचर से आपको अपने फोन की किसी भी बटन को बिना टच किए डेट नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये फीचर आपको इसके डिस्प्ले सेटिंग में मिलता है। इसमें आपको दो फीचर मिलते हैं, पिकअप योर फोन टू शो। इसको ऑन करते ही आप जब भी अपने फोन को टेबल से पिक करेंगे तो उसके डिस्प्ले पर आपको क्लॉक टाइम डेट बैटरी नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। इसके लिए आपको इसको अनलॉक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे आपकी बैटरी भी सेव हो जाएगी। सेम ऐसा ही फीचर आपको टैप टू स्क्रीन में मिल जाता है। इसमें आप अपने फोन पर दो बार टैप करेंगे तो आपको क्लॉक टाइम डेट सब कुछ शो हो जाएगा। आप इसकी क्लॉक स्टाइल और डिस्प्ले नेम को भी चेंज कर सकते हैं। साथ में न्यू नोटिफिकेशन ऑप्शन भी मिलता है जिससे आपको जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको इसकी डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बटन और जेस्चर में काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि जिसमें सबसे पहला अलर्ट स्लाइडर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि फ़ोन में आपको एक फिजिकल बटन मिल जाता है जिससे आप अपने अकॉर्डिंग रिंग, वाइब्रेट और साइलेंट कर सकते हैं। इसी में आप नेविगेशन बार मोड भी मिल जाता है। अगर आप अपने डिस्प्ले पर से नेविगेशन बार को हाइड कर देना चाहते हैं या फिर आप इसको और इजी वे में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। बट नेविगेशन फुल मोड पर अगर कंपेयर करें तो Xiaomi MIUI 10 का अभी तक मुझे सबसे अच्छा लगा है। नेक्स्ट, क्विक जेस्चर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर है जिसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है फ्लिप टू म्यूट का। जब आपको कोई कॉल आ रही है आप अपने फ़ोन को फ्लिप करके टेबल पर रख देंगे तो वो ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाएगा, तो ये फीचर मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है इसका। नेक्स्ट, इसमें आपको थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें डिफॉल्ट ये ऑप्शन ऑफ ही होता है तो ये आपको ऑन करना पड़ता है, जिसे आप थ्री फिंगर को स्वाइप डाउन करेंगे तो उससे स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। नेक्स्ट, आंसर कॉल्स बाय जेस्चर फीचर मिलता है जो कि शायद थोड़ा हम लोगों के लिए रिस्की हो सकता है, बट ये फीचर काफ़ी कूल भी है। इनकमिंग कॉल पर आप फ़ोन को स्वाइप अप स्वाइप लेफ्ट करते हैं, बट ये फीचर ऑन करने के बाद आप सिर्फ फोन को उठाकर आप अपने कान तक लेके जाएंगे तो कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट, जेस्चर आपको बहुत ही पसंद आने वाला है जिसको स्क्रीन ऑफ जेस्चर कहते हैं। इसमें आपको अपनी पसंद का लेटर डालना है और स्क्रीन पर ओ बनाना है तो कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर मैं इस पे वी बनाता हूँ तो फ्लैश लाइट मैंने इसमें डाला हुआ है तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी और वी ड्रॉ करने से ऑफ भी हो जाएगी। इस तरीके से आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी अल्फाबेट आराम से डाल सकते हैं। नेक्स्ट, इसके लॉक बटन को लॉन्ग प्रेस करके इसके गूगल असिस्टेंट को भी ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपनी होम स्क्रीन को होल्ड करके रखेंगे तो आपको यहां पर डायरेक्ट वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है जिससे आप कुछ वन प्लस डिवाइस के वॉलपेपर या फिर अपनी गैलरी से कोई फोटो को होम स्क्रीन पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर भी आपको अपनी होम स्क्रीन का मिलता है। इसमें वॉलपेपर के साथ में विजिट्स का ऑप्शन मिलता है जिसमें इसे आप क्लॉक को अपनी होम स्क्रीन पर रख सकते हैं या फिर न्यूज, कॉन्टैक्ट, वेदर या कैलेंडर को अपनी होम स्क्रीन पर रख सकते हैं जिससे आप डायरेक्ट उस ऐप को यूज कर पाएंगे। और इसी के साथ आपको इसमें होम लेआउट का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपनी होम स्क्रीन के ऐप्स के लेआउट को चेंज कर सकते हैं या फिर ऐप्स के आइकन साइज को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको आइकन पैक भी मिल जाता है जिससे आप अपने आइकन को स्टॉक एंड्रॉइड जैसा लुक दे सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें एक और फीचर मिलता है कि जैसे ही आप अपनी स्क्रीन को डबल टैप करेंगे तो वो लॉक हो जाएगी, तो ये यहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगला फीचर आपको इसकी नोटिफिकेशन ट्रे का मिलता है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन ट्रे को दो बार स्वाइप डाउन करना है और सेटिंग के साथ में इसको कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग अपने आइकन को रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है या जो भी फीचर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको आप आगे रख सकते हैं, बाकी को आप पीछे कर सकते हैं।
इसी की नोटिफिकेशन ट्रे में आपको एक और ऑप्शन मिलता है जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया है। ये एक्चुअली में एक चैलेंज है और किसी कंपनी के मोबाइल में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अपने आपको टाइम देना चाहते हैं या आप इंजॉय करना चाहते हैं या फिर मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपने फ़ोन के लिए कुछ टाइम के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप इसको स्टार्ट कर देते हैं तो इसमें आपकी सभी नोटिफिकेशन म्यूट हो जाएंगे और सभी ऐप्स इसमें लॉक हो जाएंगे, इवन कैमरा भी, और आपके आपको सिर्फ इमरजेंसी या इंपॉर्टेंट कॉल्स ही आएंगे और ये मिनिमम 2 घंटे के लिए ऑन होता है। एक बार स्टार्ट करने के बाद आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, 2 घंटे से ज़्यादा भी आप इसको चैलेंज ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इसके डिस्प्ले में मिलता है अडेप्टिव ब्राइटनेस का। इसमें फ़ोन नेचुरल लाइटिंग के अकॉर्डिंग अपनी ब्राइटनेस को ज़्यादा या कम कर देता है, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक पर क्लिक करना होगा और वो अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर इसमें आपको मिलता है कि ऑटोमेटिक जब भी आप अपने फ़ोन को यूज़ करके रखते हैं तो उसकी स्क्रीन ऑफ कितनी देर में होती है, तो वो भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका नाइट मोड फीचर मिलता है। इसमें आपके डिस्प्ले नाइट में ऑटोमेटिक कलर टेम्परेचर कम हो जाएगा और ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट रीडिंग मोड में आप अपनी नाइट में रीड करने वाली ऐप्स को ऐड कर सकते हैं जिससे आपको आइस में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप लॉन्ग टाइम तक रीड कर सकें। नेक्स्ट फीचर इसमें आपको मिलता है नोच को हाइड करने का, तो ये एक अच्छा फीचर है। अगर आपको नोच पसंद नहीं है तो आप यहाँ से नोच को हाइड भी कर सकते हैं। इसी में आपको एम्बिएंट डिस्प्ले वाला फीचर मिलता है जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ इसी वीडियो में। तो आपको अगर आप किसी भी फीचर पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं, यानी कि कोई भी फीचर आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें, आप क्लिक करेंगे उसी फीचर पे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट इसके डिस्प्ले में 3 ऑप्शन थीम के मिलते हैं, कलरफुल, लाइट और डार्क मोड, जो कि गूगल पूरी तरीके से एंड्रॉयड क्यू में लेके आने वाला है। बट यहाँ पर आपको वन प्लस में डार्क थीम भी मिल जाती है जिससे आपकी आईज प्रोटेक्ट होगी और साथ में बैटरी लाइफ भी सेव होगी। और यहीं पर आपको इसमें फ़ोन के फ़ोन कलर को भी चेंज कर सकते हैं और साथ में आप इसमें फ़ोन साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इसके डिस्प्ले सेटिंग में स्टेटस बार का। इससे आप अपने स्टेटस बार को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। इसमें आप बैटरी ऑप्शन मिलता है जिसमें आप इसकी बैटरी को परसेंटेज में या आप इसके ग्राफिक बार में सेट कर सकते हैं, इवन आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्प्ले नेटवर्क स्पीड को भी ऑन कर सकते हैं, साथ के साथ वो नेटवर्क स्पीड इसमें बताता रहेगा, और टाइम को भी मिनट या आवर्स में चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है स्क्रीन सेवर का, जो कि आप अपने फ़ोन को यूज़ में ना करने पर या बैटरी चार्ज करते हुए सेट कर सकते हैं, जिसमें कलरफुल डिस्प्ले और फोटो एल्बम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बैटरी ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपनी बैटरी यूसेज चेक कर सकते हैं कि कौन सी ऐप्स पर सबसे ज़्यादा बैटरी यूज़ हो रही है। इसी में आपको बैटरी सेवर का ऑप्शन भी मिलता है। आपका फ़ोन जब 15% बैटरी पर होगा तो ये बैटरी सेवर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जिसमें कुछ फीचर को ये डिसेबल कर देता है और बैटरी को सेव करता रहता है। नेक्स्ट बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में वन प्लस के ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्स को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं जिससे आपकी बैकग्राउंड एक्टिविटी डिसेबल हो जाएगी। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिससे आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन लास्ट फुल चार्ज कब हुआ था। जैसे कि ये फ़ोन 197 डेज पहले चार्ज हुआ था, क्योंकि ये फ़ोन अभी नया है। नेक्स्ट ऑप्शन इसके सेटिंग में स्टोरेज का मिलता है, जिससे आप इसकी स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि आप फोन का स्पेस कहां कहां ऑप्टिमाइज हो रहा है। नेक्स्ट फीचर इसमें आपको सिक्योरिटी का मिल जाता है, जिसमें एक ऑप्शन फाइंड माई फोन का मिलता है, जिसको फोन खो जाने के टाइम पर आप अपनी गूगल आईडी की मदद से सर्च कर सकते हैं। वैसे आज तक किसी ने गूगल आईडी की मदद से क्या अपना फोन सर्च किया है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट आप अपने डिवाइस में अलग अलग तरीके से लॉक लगा सकते हैं, जिसमें स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक या फेस अनलॉक मिल जाता है। तो सबसे पहला आता है इसका स्क्रीन लॉक, जो कि आपको अपने ओल्ड डिवाइस में भी मिल जाता है। पैटर्न लॉक आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट है। इसको सेटअप करना भी बहुत ही आसान है। इसमें पहले एक नंबर लॉक करना होगा और फिर आप इसमें अपने फिंगर को कुछ इस तरीके से देखिए टैप करके ऐड कर सकते हैं। और इसमें डिस्प्ले के अलावा फेस अनलॉक भी मिल जाता है, जिसको सेटअप करने के लिए आपको और नंबर लॉक ऐड करना होगा और फिर आपको फेस इसमें ऐड करना होगा, और ये भी बहुत ही फास्ट अनलॉक हो जाता है। इसके साथ ही आपको एक स्मार्ट अनलॉक फीचर भी मिल जाता है, जिसमें पहला फ़ोन अनलॉक का ऑप्शन मिलता है। जब आपका फ़ोन आपके पास होगा या फिर आप उसको जैसे ही पिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। सेकंड इसमें आपको मिलता है ट्रस्टेड प्लेस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने घर या ऑफिस के लोकेशन को ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वो उस लोकेशन पर पहुंचकर ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसमें आपको मिलता है फ़ोन आपके किसी स्मार्ट वॉच, पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट होगा तो वहां पर भी वो अनलॉक हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपको इसमें मिलता है वॉइस को मैच करके, अब भी आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा।
नेक्स्ट फीचर सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है, जिसमें आपको मिलता है इमरजेंसी रेस्क्यू का। इसको इनेबल करने के बाद आप कहीं इमरजेंसी में फंसे हुए हैं और आप अपने फ़ोन से जल्दी से कॉल नहीं कर सकते तो आपको ये ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको पावर बटन को जल्दी जल्दी 3 टाइम प्रेस करना होगा और आपके फ़ोन से ऑटोमेटिक इमरजेंसी कॉल चली जाएगी। अगर आप इसमें अपने किसी भी फ्रेंड या फैमिली नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जिससे कोई भी इमरजेंसी होने पर उनको भी कॉल मैसेज चले जाएंगे। नेक्स्ट इस फ़ोन की सेटिंग में आपको बहुत ही कमाल की कुछ फीचर मिलते हैं इसकी यूटिलिटी में, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन गेमिंग मोड मिलता है। अगर आप एक गेम लवर है तो ये ऑप्शन आपको जरूर देखना चाहिए। इसमें आप जब गेम खेलते हैं तब फोन कॉल्स के डायरेक्ट स्पीकर पर ले सकते हैं। नोटिफिकेशन को आप अपने अकॉर्डिंग इसके बॉटम या टॉप पर सेट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी कॉल्स या नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं। गेमिंग के वक्त इस डिस्प्ले के इनहेंस कर सकते हैं और फ्रेंटिक मोड में इसको और भी फास्ट चार्ज कर पाएंगे। इसकी यूटिलिटी में ही एक और ऑप्शन मिल जाता है आपको क्विक लॉन्च, जिसमें आप किसी भी ऐप पर फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से लॉक लगा सकते हैं। और एक और ऑप्शन मिल जाता है इसमें कि आप अपने फ़ोन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि वो नाइट में ऑफ हो जाए और मॉर्निंग में ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। नेक्स्ट इसकी एक्सेसिबिलिटी में भी आपको सभी एंड्रॉयड वाले फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि सेलेक्ट टू स्पीक का, टॉक बैक, टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट का ऑप्शन मिल जाता है और इसमें डिस्प्ले साइज या फोन साइज को बिगर करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके अलावा जब आप इसमें कोई भी ऐप या सेटिंग ओपन करते हैं तो एक एनिमेशन ओपन होती है, उस एनिमेशन को भी आप बंद कर सकते हैं जिससे आपका फोन और भी फास्ट हो जाएगा। और फोन कॉल को कट करने के लिए भी इसमें दूसरा ऑप्शन इसमें मिल जाता है, जैसे कि आप अपने पावर बटन से भी फोन कॉल को कट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी सेटिंग में सिस्टम ऑप्शन में लैंग्वेज को चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, साथ में कीबोर्ड को भी आप ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आप अपने फोन का बैकअप भी ले सकते हैं, जिसमें आप अपने फोन का डेटा गूगल ड्राइव पर आराम से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसमें OTG का मिलता है। अगर आप अपने फोन में OTG कनेक्ट करते हैं तो वो बेसिकली सिंपल तरीके से ऑन नहीं होता है, उसमें पेन ड्राइव आपको शो नहीं होगा। आपको इसकी सेटिंग में जाकर OTG कनेक्शन को ऑन करना होगा, वो तभी आप पेन ड्राइव आपको इसमें शो होगा। इसके अलावा रैम को बूस्ट करने के लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है। और इस फोन की डिटेल रिव्यू और अनबॉक्सिंग इस चैनल पर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें इसके कैमरा सैंपल फेस फिंगरप्रिंट सेंसर को बताया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको ऊपर कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।